केदार वैली और अभी हम उठ चुके हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं और अब हम जाने वाले हैं मंदिर। सो अभी देखते हैं बाहर कैसा व्यू हो रहा है, क्योंकि अभी तक हम बाहर नहीं गए। सो बाहर चलते हैं। सो गाइस, ये बाहर से ज़रा व्यू चेक करो आप। वाह यार, मतलब अलग ही लेवल का सीन हो रखा है। और बाहर चलते हैं, मतलब चप्पल भी अकड़ गई है, है? भाई बहुत ठंडा हो रहा है और क्या प्यारा व्यू हो रहा है। लोगों ने यात्रा स्टार्ट भी कर दी है और हमारे यहाँ पे 2 कैंप और लगे हुए थे। ये देखो व्यू देखो। सो अभी हम लेके आए थे यहाँ पे चाय ढाबे से, पीछे ब्लू वाले से, और लाते लाते ही ठंडी हो गई। इतनी ठंड है यहाँ। मैं ये कहूँगा अगर आप आ रहे हो तो प्लीज़ तैयारी से आओ, हेलीकॉप्टर से आ जाओ अगर आपकी हिम्मत नहीं है, अगर आप थोड़े से एजेड हो। वैसे पैदल आना बहुत अच्छा रहता है, बट भाई हालत यहाँ पे बहुत डाउन हो जाती है। तो देखो यहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ते रहते हैं। अब स्टार्ट हो चुके हैं, अब पूरा दिन हेलीकॉप्टर उड़ते रहेंगे। सो ये लगा रहता है। और रात को मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि बेहोश होने वाली हालत हो गई थी। मैंने व्लॉग भी नहीं करा ज़्यादा, और रास्ता बहुत ज़्यादा हार्ड है तो मैं आपको क्या ही दिखाता। सो आज हम जाने वाले हैं मंदिर, एंड आई होप सब अच्छा रहेगा। रात को तो पूरी रात पैर हमारे सुन रहे, मतलब स्लीपिंग बैग के अंदर घुस गए हम तब भी सुनते, तो सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा ठंड है। और यहाँ देख सकते हो पीछे ग्लेशियर है, ये वाइट। सो इसकी वजह से ना डायरेक्ट विंड आती है जो कि बहुत चिल्ड होती है, सेम ऐसे जैसे आप फ्रिज खोलते हो ना वैसी होती है। रात भर टेंट में सोने की वजह से हमारी जो लेग्स की मसल थी बिल्कुल स्टिफ हो चुकी थी और हमसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। तो हमने सोचा यहाँ से आगे हम घोड़े से जाएंगे, क्योंकि आखिरी 4 किलोमीटर रह गए थे और वो बहुत मुश्किल होने वाले थे, क्योंकि हमारी लेग्स ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया था। सो यहाँ पे अगर हम चलते तो हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती, तो आगे का सफ़र हमने फिर घोड़े से तय करा। भोलेनाथ, हाँ भाई कैसा लग रहा है भाई? खतरनाक सीन है, बड़ा खतरनाक सीन भाई, लाइफ का ये वाला एक्सपीरियंस बता रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे घोड़ों का स्टैंड है लास्ट, और इसके बाद आगे हम पैदल जाएंगे। पहुंचने वाले मंदिर, ये बस क्रॉस करना है और फिर मंदिर आ जाएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ, हालत बहुत खराब है, बट जो एक्साइटमेंट है ना वो नेक्स्ट लेवल है। सुना तो भटके मन को जहाँ दिखाता है, मैं भी खोया हूँ, मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे। सो फाइनली गाइज, देख सकते हो केदारनाथ मंदिर हम पहुँच चुके हैं। मतलब बिलीव नहीं हो रहा है, सब ड्रीम जैसा लग रहा है। और भीड़ देख लो आप, कितनी भीड़ है, और दर्शन के लिए लाइन पूरी नीचे तक जा रही है। सो मेरे को सच्ची में बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। सो अभी हमने ले लिया यहाँ पे प्रसाद और अभी जा रहे हैं मंदिर। सो काफ़ी लंबी लाइन है, देख सकते हो बहुत भीड़ है।
सो लेट्स सी कैसा रहता है। एंड फाइनली पहुंच चुके हैं, काफी दिक्कतें आई बट सपने पूरे हो ही गए आखिर। तो अभी हमने अंदर से दर्शन नहीं करे थे तो हम कल सुबह लाइन में लगेंगे क्योंकि अभी 2 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, तो अभी ऑलरेडी टाइम हो चुका है तो अभी हम नहीं लगे और कल सुबह लगेंगे। अभी हमने बाहर से दर्शन कर लिए थे। सो अभी हम लेटे हुए हैं केदारनाथ की घाटियों में और केदार मंदिर वहाँ पे है और हम इतना दूर आ गए हैं, इतने रूम ढूंढे, इतना कुछ करा बट कुछ नहीं मिला। सब कुछ फुल है, कुछ बुक्ड है और एक मिला था बट वो वर्थ इट नहीं था, मतलब क्या ही बोलूँ क्या ही था, वो रूम ही नहीं था। तो हमने सोचा रहने ही देते हैं और जो यहाँ की सरकारी वो है ना रूम्स वगैरह डोमेस्टिक वगैरह वो ऑलरेडी फुल चल रही है, वहाँ पे लाइंस लगी हुई है तो मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रूम्स फाइंड करना। सो अगर आप आ रहे हो तो प्री बुकिंग करा के आओ या फिर अपना टेंट ले आओ, टेंट आराम से यहाँ पे कहीं भी कैंप कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज हमारा प्लान है कि आज हम भोलेनाथ की चरणों में सोएंगे, अगर ऐसा कुछ रहा तो देखते हैं, अभी तो हम सोच रहे हैं। बाकी अभी यहाँ आराम से धूप सेक रहे हैं क्योंकि भाई टांगे टूँगे इतनी दर्द हो रही है ना, क्या बताऊँ मैं आपको, हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। सो अभी धूप में मस्त इंजॉय करते हैं, सो जाते हैं। सो हमने ना मतलब बहुत ट्राई करा रूम्स मिलने का, रूम्स ना ऑलरेडी प्री बुकड है, मतलब 30 तारीख तक बुकड है और उससे आगे भी। तो अभी हमको मिल चुका है टेंट, आप पीछे देख सकते हो इस टेंट में हम रुके हैं और फिलहाल रात गुजारने के लिए बहुत सही है क्योंकि हम जा रहे हैं कि हम शाम की आरती देखें आज और फिर कल सुबह भी एक बार दर्शन कर ले अच्छे से। तो लेट्स सी जैसा भी रहता है, बट हमें मिल चुका है फिलहाल स्टे करने के लिए। और रात को भाई यहाँ पे बहुत बुरे हाल हो जाते हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते, टेम्परेचर ऐसे माइनस में चला जाता है और व्यू तो आप देख ही सकते हो। सो अभी चलेंगे हम अच्छे से, आपको भीमशिला वगैरह भी दिखाएंगे, अभी कुछ नहीं दिखाया मैंने। तो अभी देखो ये टेंट है अपना, यहाँ पे अपना स्टे है आज का। सो यहाँ आराम से सोएंगे और यहाँ पे प्रवेश भाई क्या हाल चाल, और यहाँ पे भाई जी जिनका टेंट है। सो आज की हमारी रात यही होने वाली है, बाकी कल सुबह निकलेंगे एंड देखते हैं आगे कहाँ कहाँ जाना है। अभी हमारा सारा रहने का बंदोबस्त हो गया है, सो अभी हम जा रहे हैं भीमशिला देखने, देखते कैसी है भीमशिला रियल में। सो वही थी, वही स्टोन था जिसने आपदा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था और मंदिर बच गया था उस वजह से। सो मैं अकेले जा रहा हूँ और वहाँ पे देखते हैं। देख सकते हो आप ये मेरे पीछे टेंपल है और यहाँ पे है भीमशिला। सो अभी आपको दिखाते हैं भीमशिला। सो यही है वो पत्थर जिसको भीमशिला बोलते हैं और इसी ने आपदा को रोका था और इसी की वजह से जो मंदिर है वो आराम से बच गया था। और यहाँ से जब पानी आया होगा तो यार इतनी खुली जगह है मैं सोच नहीं सकता हूँ, और इस पत्थर ने मंदिर को बचाया है। और ये पत्थर भी तभी आया था ऊपर से गिरते हुए, और इस पत्थर का अगर आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा पत्थर है और वहाँ पे सारे श्रद्धालु है, बहुत हज़ारों में आ रखे हैं। यहाँ पे लोगों ने अपने घर बनाए हैं, मतलब जो विश मांगते हैं लोग शायद वो है। सो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। एंड एक टाइम पे ये सब चीज़ें वीडियोस में देखा करता था एंड मैं बहुत लकी हूँ कि लाइक मेरे को यहाँ आने का मौका मिला, बिकॉज हर कोई नहीं आ पाता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। एंड जब आप मंदिर की बैक साइड पे आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कुंड जहाँ से लोग जल अक्सर ले जाया करते हैं, आप कुछ यहाँ से ले सकते हो। और ये अमृत कुंड है, सो यहाँ से आपको इजीली अमृत मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। दिन में 2 बजे कपाट बंद हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए और आप देख सकते हो सारे के सारे श्रद्धालु कैसे बैठे हुए हैं और ये लाइन पूरी नीचे तक जा रही है। सो जब आप आओगे भैरव मंदिर के लिए, जो कि भैरव मंदिर का रास्ता है यहाँ से, तो यहाँ पर आपको फ्री भंडारा मिल जाएगा, देख सकते हो सब कुछ है यहाँ पे फ्री में, पूरी पराठा सब, और यहाँ पे आप आराम से खा सकते हो।
एंड आई गेस ये बहुत सही चीज़ है कि यहाँ पे भंडारा भी है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, यहाँ पे बहुत महंगा है। मैगी 70-80 रुपए की, और जो MRP वाली चीज़ें हैं जैसे पानी की बॉटल या फिर बिस्किट्स हो गए, वो डबल रेट पे है। मतलब 5 वाला बिस्किट 10 का, 10 वाला 20 का, और 20 वाली पानी की बोतल 40 की। तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा। और मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा कि आप अगर आ रहे हो तो आप ये चीज़ें ध्यान रखना, तो आपके बहुत काम आने वाली है, ताकि आपका बजट थोड़ा सही रहे और आपको प्रॉब्लम ना हो। लोगों की चल चल के तो हालत ख़राब हो चुकी है 2-3 दिन से, और मेरे एंकल में भी कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे, क्योंकि मेरे से चला नहीं गया था। और यहाँ से केदार वैली दिखती है पूरी, और ऊपर मंदिर से और ज़्यादा अच्छी दिखेगी। सो जो ऊपर आप देख रहे हो ना स्नो पहाड़ों पे, भाई बहुत अल्टीमेट, मतलब रियलिटी में बहुत अलग नज़ारे हैं। सो फाइनली अभी पहुँच चुके हैं, और इसका भी ट्रैक था, और नीचे देखो केदार वैली, वाओ। ये है भैरव देव का मंदिर, और यहाँ से आप देख सकते हो पूरी केदार वैली दिखती है, वहाँ पे है टेंपल और ये पूरी वैली है, बहुत सुंदर है यार, और ऊपर पहाड़ तो अलग ही नज़ारे हैं। सो आपको एक बात और बताता हूँ, पहले जो रास्ता था ना वो वाला था जो टूट रखा है अभी, और अब वो दोबारा बन रहा है। वो छोटा रास्ता है, वो उतना था, बट अब जो है ना वो 20 किलोमीटर के आसपास है। सो बहुत ही लंबा रास्ता है ये जो नया वाला रास्ता है। मुझे ये था कि एक बार केदारनाथ जाना है, बिकॉज मन में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो है ना, कुछ वाइब्स है, और यहाँ की वाइब्स ना लिटरली बहुत अलग वाइब्स है, शायद आपको और कहीं ऐसी वाइब्स ना मिले, बहुत पॉजिटिविटी है बहुत ज़्यादा। एक बार ज़रूर विज़िट करना लाइफ में, बहुत अच्छा लगेगा आपको बहुत ज़्यादा। और ये देखो कितने सारे लोग हो चुके हैं टेंट में, ये भी एक अलग वाइब है, ऐसे मौके दोबारा ज़िंदगी में पता नहीं कब मिले ना मिले, बट ये एक्सपीरियंस अलग लेवल का है।